सोमवार से सोमवार तक का कहते हैं, इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम। अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर सात बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा हूं, इस सावन की बात कर रहा हूं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर सात बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में सात बार तो जल, पांच बार दूध गौ माता का और दो बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, और धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है, पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध होना चाहिए। इसी सावन में चार मुखी तीन रुद्राक्ष, कितने चार मुखी, कितने तीन, पांच मुखी रुद्राक्ष तीन और छह मुखी रुद्राक्ष तीन, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है। चार रुद्राक्ष कितने, जल्दी बोलो, चार मुखी रुद्राक्ष कितने, तीन, पांच मुखी रुद्राक्ष कितने, तीन, छह मुखी रुद्राक्ष कितने, तीन, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है, जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। नौ रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये नौ रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर, ये यही सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर सात लोटा जल, पांच बार दूध और दो बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान उस रुद्राक्ष का इतना मत। ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह जो, हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है, दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रखें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया, लोग तरसते इस सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत, और पूरी समिति को। शिव मंदिर में जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई,
ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है, इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। श्रावण का यह महीना जिसमें आप भगवान शंकर के अभिव्यक्ति को धारण कर रहे हैं, सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा, ऐसा सावन 72 साल के बाद आएगा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, कितनी तारीख को जम के बोलो जरा, 27 जुलाई